केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। देखिए रमेश पोखरियाल के बेटी की अनदेखी तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक जल्दी ही बॉलीवुड में अपने पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। आरुषि ने खुद ही इस बात की घोषणा की है। आरुषि ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे लिखा है, तारिणी फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है। यह फिल्म दुनिया के सामुद्रिक सफर पर निकली नौसेना की 6 जाबाज महिला अफसरों की यात्रा पर आधारित है। टी सीरीज के साथ आरुषि निशंक इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं। 19 सितंबर 2017 में वर्तिका जोशी, प्रतिभा जायसवाल, पी स्वाति, एस विजया, ऐश्वर्य और पायल गुप्ता ने भारतीय नौसेना की सेलिंग नौका INSV तारिणी पर अपना सफर गोवा से शुरू किया था और 19 मई 2018 को वो वापस आ गई थी। इस दौरान उन्होंने 21,600 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय की। इन महिलाओं ने 254 दिनों तक समुद्र की यात्रा की थी। तारिणी फिल्म इसी यात्रा की कहानी है। इसी यात्रा को पर्दे पे उकेरा गया है। आरुषि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं। आरुषि सामाजिक क्षेत्र में भी काफी काम करती रही हैं। आरुषि भारतीय क्लासिकल डांसर हैं। विशेष तौर पर कथक डांस में उन्हें महारत हासिल है। 24 जनवरी 2015 को उनकी शादी अभिनव पंत से हुई थी। आरुषि 2018 में रमेश पोखरियाल निशंक के जीवन पर आधारित एक क्षेत्रीय फिल्म मेजर निराला को प्रोड्यूस कर चुकी है। यानी कि शादी होने के बाद रमेश पोखरियाल की बेटी आरुषि निशंक फिल्मों में डेब्यू कर रही है। रमेश पोखरियाल की बेटी आरुषि निशंक देखने में पहले से ही किसी स्टार और किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं है। अब देखना है कि उनके पिताजी ने जलवे बिखोरे अपने राजनीति में, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बेटी बॉलीवुड में कितना जलवा बिखेरती है और कितने लोगों को अपना फैन बनाती है।